एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एवरीथिंग। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 7th इंग्लिश का चैप्टर 3 द डेजर्ट। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको रेगिस्तान की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो जंगलों और पहाड़ियों से घिरे हुए इलाकों में रहते हैं। उनके लिए ये कल्पना करना बहुत मुश्किल होगा कि वास्तव में रेगिस्तान कैसा है। एक लोकप्रिय धारणा यह है कि रेगिस्तान एक रेतीला इलाका होता है जहां कोई बारिश नहीं होती है और यह इलाका सूखा तथा गर्म होता है, इसलिए यहां कोई भी वनस्पति नहीं पाई जाती है। लेकिन ये बात पूरी तरह सही नहीं है। जिन लोगों ने इसका अध्ययन किया है वे जानते हैं कि यह एक सुंदर जगह है और यह विभिन्न प्रकार के लोगों, जानवरों और पौधों का घर है जिन्होंने बहुत गर्म और शुष्क परिस्थितियों में रहना सीखा है। रेगिस्तान में शायद ही कोई ऐसी जमीन होगी जो घास पेड़ों से ढकी होगी, क्योंकि यहाँ की जलवायु ऐसी नहीं है। यहाँ ना के बराबर ही बारिश होती है, लेकिन जहाँ भी बारिश होती है वहाँ फूल खिल जाते हैं। उस समय यह रेगिस्तान किसी भी उष्णकटिबंधीय बगीचे जैसा दिखने लगता है। एक रेगिस्तान हमेशा सपाट नहीं होता है। सूखी रेत और बंजर भूमि की वजह से कभी कभी यहाँ पर्वत और पहाड़ियाँ बनना भी शुरू हो जाती है। यहाँ मीठे और साफ पानी का स्रोत भी होता है। एक नखलिस्तान रेगिस्तान के बीच में छोटी सी हरी भरी जमीन के टुकड़े में मौजूद पानी का एक कुआं होता है जो पेड़ पौधों को बढ़ने में मदद करता है। नखलिस्तान आकार में छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। एक रेगिस्तान धार की तरह गर्म और लद्दाख की तरह ठंडा भी हो सकता है। लेकिन आम तौर पर यही माना जाता है कि अगर किसी जगह पानी या वनस्पति नहीं है तो लोग उसे रेगिस्तान कहते हैं। कुछ रेगिस्तान तो ऐसे भी हैं जहां पानी ना के बराबर ही है। ऐसी जगहों पर तेज हवाएं चलती हैं जो रेत के ढेर को दूर दूर तक उड़ाती हैं और उन्हें टीले के रूप में जमा करती हैं। रेत के इन छोटे पहाड़ों को रेत का टीला कहते हैं और ये टीले रेगिस्तान में अपना स्थान बदलते रहते हैं। रेगिस्तान में कुछ पौधे ऐसे हैं जो इस सूखे मौसम में भी रेत पर जीवित रह सकते हैं। जीवित रहने के लिए सभी जीवों को पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए रेगिस्तान में बहुत ही कम लोग, पेड़ पौधे और जानवर पाए जाते हैं। जो थोड़े लोग वहाँ पाए जाते हैं वे सभी वहाँ की जलवायु के अनुकूल हो जाते हैं। उन्होंने अपने अंदर ऐसी क्षमता विकसित की है कि वे कम पानी में भी अपने आप को जीवित रख सकते हैं। ऊंट, जिसे रेगिस्तान के जहाज के रूप में जाना जाता है, वह भी कई दिनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। इसका कारण यह है कि ऊंट एक बार में बहुत सारा पानी पी सकता है। ऊंट को कई दिनों तक पसीना नहीं आता है, जबकि इंसान को अपने शरीर का तापमान नियंत्रण रखने में पसीना बहाना पड़ता है और ऊंट अपने शरीर को उच्च तापमान में भी खड़ा रख सकता है। उसके लिए उसे पसीना बहाने की जरूरत नहीं होती है और इसलिए जो पानी वे लंबे समय तक पीते हैं उसे काफी देर तक बनाए रख सकते हैं। छोटे रेगिस्तानी जानवर पानी नहीं पीते हैं। वे दिन भर में गर्मी से बचने के लिए अपने अपने बिलों में छिपकर रहते हैं और रात में खाने के लिए ही बाहर आते हैं। ये छोटे जानवर अपना पानी उन वस्तुओं से प्राप्त कर लेते हैं जिन्हें वे खाते हैं। जो मांस नहीं खाते वे पौधे वे बीजों को खाते हैं और उनको जो पानी की जरूरत होती है वे उन पौधों और बीजों के रस से प्राप्त कर लेते हैं। रेगिस्तानी पौधे अपने आप को इस प्रकार वहाँ की जलवायु के अनुकूल ढाल लेते हैं। उदाहरण के लिए कैक्टस के पौधे अपने मोटे तने में पानी को जमा करते हैं। उनकी जड़ें जमीन की सतह के करीब होती हैं और कभी कभार हल्की बारिश से ये नमी को सोख लेती हैं। सभी रेगिस्तान की प्रमुख विशेषता सूखापन और तापमान की विविधताएं हैं। आर्द्र जलवायु में हवा नमी के एक कंबल की तरह काम करती है और पृथ्वी की सतह को सूरज की गर्म किरणों से बचाती है। कभी कभार रेगिस्तान में होने वाली बारिश की वजह से यह सुरक्षा कवच समाप्त हो जाता है। इसी कारण रेगिस्तान दिन में जल्दी गर्म हो जाता है और रात में जल्दी ठंडा हो जाता है। रेगिस्तान प्रकृति की महान योजना का एक अहम भाग है। वे वहाँ के घने जंगलों और गहरे समुद्रों की तरह है, सिर्फ इसलिए कि वे गर्म और सूखे हैं। किसी को उन्हें पृथ्वी के बेकार हिस्सों के रूप में नहीं देखना चाहिए।
तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।